नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब न्यूज अड्डा में। तो दोस्तों, पंजाब रोडवेज की भर्ती आई ठप हो गई, उसके बाद हरियाणा रोडवेज की भर्ती दोस्तों चल रही है, और अब अपने पड़ोसी राज्य यानी कि राजस्थान रोडवेज भर्ती की संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही है। खबर के मुताबिक दोस्तों यहां पे देखें तो 5000 पद जो है राजस्थान रोडवेज के तत्काल खाली बताए जा रहे हैं और जिनको भरने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, अभी जो रोडवेज राजस्थान रोडवेज है उसकी भर्ती की संभावनाएं हैं, पिछले 3 सालों से रोडवेज में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार आने के बाद उम्मीद लगाई बैठे राजस्थान रोडवेज की, पहले ही बजट में तो झोली खाली रह गई, यानी कि कोई भर्तियां नहीं मिली, ना ही कोई बजट में उनको हिस्सा मिला रोडवेज को। अब उनको उम्मीद है कि ये जो 5000 पद खाली है जल्द ही इनको मंजूरी मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों। और 5000 पदों में से 2500 पद तो ऐसे है कि तत्काल भर्ती की इनको जरूरत है, काफी बसें इनकी बंद खड़ी हुई हैं और कुछ बसें जो है वो प्राइवेट कंडक्टर और ड्राइवर चला रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, राजस्थान रोडवेज के अंदर चंद दिनों में बहुत ही बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, बट दोस्तों भर्ती की तो अभी संभावनाएं ही है और लोगों ने क्या कांड किया, चलिए आपको वो भी चेक करवा देते हैं। तो दोस्तों, रोडवेज की भर्तियां तो स्टार्ट नहीं हुई है, बट रिश्वत देने वाले और लेने वाले पहले ही तैयार बैठे हैं। आज ही की दोस्तों न्यूज है, जयपुर की न्यूज है। इस व्यक्ति को जो दोस्तों देख रहे हो, ये वही शख्स है जो भारी मात्रा में पैसे लेकर के परिवहन विभाग में आपको नौकरी दिलाने का झांसा देता है, और ऐसा दोस्तों पंजाब रोडवेज भर्ती में भी चल रहा है। देखने को आया है कि कंडक्टर के लिए 1 लाख और ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए 70,000 रुपए लिए जा रहे हैं, बट दोस्तों इस शख्स के पैसे देखने के बाद यानी कि इसकी रिश्वत की रकम देखने के बाद वो रकम आपको बहुत ही छोटी लगेगी। तो चलिए सारी की सारी न्यूज जो है आपको रीड करवाते हैं। दोस्तों ये आज की न्यूज है, जयपुर की परिवहन विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाला बंदा जो है आज गिरफ्तार किया गया है। नाम बताया जा रहा है इसका मनोज कुमार जिंदल, 37 साल की एज है और ये इसका एड्रेस है। और इसके बाद दोस्तों ये काफी बड़ी न्यूज है, पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। और गाइज यहाँ पे क्या है कि ये लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले रहा है और उनको झांसा दे रहा है कि वो उनको ड्राइवर की पोस्ट पे नौकरी लगवा देगा रोडवेज में, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसकी जो है रिश्वत की रकम आप देखिए, भारी भरकम 3.5 लाख रुपए, तो बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों रिश्वत में 3.5 लाख रुपए। और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तो ये पहले मांगता है ज्वाइनिंग से, और बाकी के लाख रुपए ये ज्वाइनिंग के बाद मांगता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है इसके पास सारे के सारे फर्जी दस्तावेज मिले हैं, ज्वाइनिंग लेटर, विजिटिंग कार्ड, बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट इसके पास मिले हैं, स्टंप मिली है। और ये जो है फिलहाल जो पकड़ा गया तो 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और उस शख्स ने ही इसे आई थिंक पकड़वाया होगा। आप रीड कर लीजिएगा कंप्लीट न्यूज। और दोस्तों यहाँ पे बात करें हम तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी रोडवेज में ये भर्तियां नहीं हुई हैं, स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप कहीं भी अपने पैसे मत डुबोइए। अगर आपने मेहनत से कमाए हैं, अगर आपने भी फ्रॉड करके कमाए तो अलग बात है दोस्तों, कहीं भी डुबो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर खून पसीने की कमाई है तो भाई संभाल के रखिए, इतने पैसों का 3.5 लाख रुपए का ब्याज भी 1 साल का बहुत होता है, ठीक है। तो प्लीज इनको मत डबोइए, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर अगर योग्यता आप में है तो वैकेंसी अनाउंस होने का वेट करिए। 5000 वैकेंसी अनाउंस होगी, किसी ना किसी पोस्ट पे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो दोस्तों कहीं फ्रॉड में मत फंसिए, किसी के हाथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल भी मत दे, ठीक है। अगर आप अपनी फोटोकॉपी भी अटेस्टेड करके देते हो और अगर आपके डॉक्यूमेंट का कहीं छेड़छाड़ होती है, कहीं फर्जीवाड़े में पकड़े जाते हैं, तो फिर आप खुद दोषी पाए जाओगे, क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड किए हैं, यानी कि आपकी मर्जी से वो डॉक्यूमेंट वहां गए हैं, किसी ने नहीं चुराई। तो अगर उनका दुरुपयोग होता है तो भी आप उनके लिए जिम्मेवार ठहराए जाओगे। यही विनती दोस्तों, कोई फ्रॉड में मत फंसिए, भर्तियों का इंतजार करिए, योग्यता के बेस पे सिलेक्ट होइए। और आपका इस न्यूज के बारे में क्या कहना है कमेंट में लिख दीजिएगा। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।